नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेलो किसान पर। तो आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड हो रहा है। आप सामने कैमरे पर देख रहे होंगे कि स्क्रीन थोड़ी सी काली काली आ रही है। इसका कारण ये है कि इसका जो मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो वो फ्रंट के कैमरे पर आ रहा है। तो मैं फ्रंट के कैमरे पर ज़्यादा बात ना करते हुए अब आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आज 19 जून 2023 ग्राम मड़ौदा तहसील खाचरौद जिला उज्जैन, कल रात को पानी गिरा था, बिब्बर जो है जो तूफान उठा था, तो उसकी वजह से हमारे गांव में आसपास के क्षेत्र में बारिश अच्छी हुई है। पर अब मैं जो भी बताऊंगा बैक कैमरे से बताऊंगा क्योंकि इसमें क्वालिटी सही आ नहीं रही है, तो मैं आगे की बातें आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं पूरे एरिया में खाली एक ये जो ट्रैक्टर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये, और एक ट्रैक्टर ये हमारे बड़े भैया का है। तो अभी आप अगर कैमरे पे देखेंगे स्क्रीन पे तो पूरे एरिया में कहीं भी कोई ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ ये दो ट्रैक्टर ही चल रहे हैं। तो पता नहीं किसान क्यों बोवनी नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई वजह हो सकती है। शायद उनको ऐसा लगता हो कि पानी अब गैप देगा, लंबे समय तक पानी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो कल रात को पानी गिरा था, अच्छा पानी गिरा है, लगभग 8 उंगल तक ज़मीन गीली है। तो हम तो बो रहे हैं और हमारे गाँव में आज की डेट में लगभग 50-60 बीघा ज़मीन अगर किसी ने बोई होगी तो कुल मिला के 50-60 बीघा ज़मीन होगी। बाकी सभी किसान ने बोवनी नहीं की है, कुछ किसानों ने ही बोवनी करना प्रारंभ करा है। तो कुछ में से दो तो ट्रैक्टर मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, तो दो यही ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर मेरे को अभी रास्ते में आते टाइम दिखा था। तो ये तीन ट्रैक्टर हैं और तीनों ट्रैक्टर को मिलाकर मतलब मेरे अनुमान से 50 या 60 बीघा ज़मीन आज किसान बोवनी करेंगे, तो बहुत कम रेशो है। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल अगर कोई किसान बोवनी करेगा तो यहाँ से आज से बोवनी स्टार्ट है। हाँ जीतू भैया दिखा रहे हैं टिटोड़ी के अंडे। हाँ कहाँ है? हाँ तो ये यहाँ पर टिटोड़ी के अंडे हैं, ये फूटे नहीं है और बोवनी का काम हो गया है। देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है, तो इनके लिए छोड़ देंगे जगह। और अभी हमारे यहाँ इस बार सोयाबीन में बहुत सारी वेराइटियाँ लग रही है इस साल, है ना? ये हमारे युवा किसान जीतू भैया। तो जीतू भैया कितना रेशो है आज बोवनी का गांव में? अगर 1% में ले ले तो 0% ही है। 0% ही है ना, मुश्किल से 50-60 बीघा ज़मीन अगर आज टोटल बोवनी होगी। उधर एरिया में कभी होती हो अपने जैसे दो ट्रैक्टर चलते हैं, उधर किधर चलते हैं? मैं आया अभी उधर से उस रास्ते से, तो उधर एक ही ट्रैक्टर था। देखो गीला बता रहे हैं जमीन कहाँ तक गीली हुई है। ये बिपर जो की वजह से ही बारिश हुई है, बिपर जो फिर रिटर्न होगा वो ये, अभी तक सूखा नहीं आया है। अभी देखो इतना गहरा गीला हो चुका है, अब सूखा है, तो इतनी गहराई तक जमीन गीली हो चुकी है, पर्याप्त है सोयाबीन बोने के लिए। हाँ निकल गया, जान दो निकल गया बस। तो किसान क्यों नहीं बो रहे, इसकी कोई वजह अपने गांव में? शायद वो ज्यादा पानी गिर जाएगा उसकी वजह से, या फिर थोड़ी लंबी लेट बोरी हो सकती है उसकी वजह से, कुछ ना कुछ मानसिकता सब अपने अपने रहती है। अच्छा तो सब अपने अपने धैर्य विवेक से बो नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, अब तो यही हो गया है, एक साथ बोने होने का सिस्टम तो वैसे भी बंद ही हो गया है। कोई कब बो रहा है कोई कब बो रहा है वैसे ही चल रहा है। आगे पीछे हो गया, इतना गीला हुआ था ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी अपन लेट हो गए थे 15 दिन, है ना? पिछले साल तो पानी एक साथ नहीं गिरा था, गांव को सब ज्यादा गिर गया था पहले, उन्होंने बोनी करते थे अपने तरफ 15 दिन बाद गिरा था, फिर भी कम गिरा था, फिर भी अपनों ने इतना बोया, फिर क्या करें, उससे तो बहुत बढ़िया है इस साल अच्छी बोनी है। गए साल तो ये छोटा सा पत्थर उठा देते तो भी सुपर चलता था, इतना कम पानी था। हाँ चलो बढ़िया है, तो हाँ बोवनी का समय हो गया है। हाँ तो बहुत सारे किसानों की मानसिकता है कि 9 जुलाई 8-9 जुलाई तक बोवनी का भी गणित है किसानों का, तो सब अपने अपने हिसाब से। ये टिटोड़ी के अंडे हैं यहाँ पर, तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और मैं अगर वैरायटी की बात करूँ तो ये अभी इसमें बो रहे हैं डालर, तो ये वाले खेत में बोवनी हो रही है डालर की। ये वाले खेत में डालर की बोवनी हो रही है, इससे पहले जो खेत बोया था उसमें भी डालर थे,
अब जो दो खेत और बोएंगे तो एक में हम बो रहे हैं ग्रीन गोल्ड की 3344 नई वेराइटी है, और एक और नई वेराइटी आई है ब्लैक बोल्ड करके, तो एक खेत में वो बोएंगे ब्लैक बोल्ड। तो दो वेराइटियाँ इस बार बोनी हो रही है। दोनों वेराइटियों की उपज, पैदावार, क्वालिटी कैसे रहती है, कैसे उसकी उपज होती है, उसमें बीमारी वगैरह आती है कि नहीं आती है, तो वो पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें और प्यार बनाए रखें। आने वाले समय में और अच्छी अच्छी बेहतरीन रोचक वीडियो, रोचक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो अभी तक आपका साथ बहुत अच्छा मिला है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही साथ बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।